नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो SSC CGL में 2023 में पूछे गए हैं और आने वाली लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप यकीन मानिए, यदि आप SSC CGL के क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे कोई सा भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो रोक कर भी कर सकते हैं और कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं कि 20 में से आपने कितने सही किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी। 5 से जिस प्रकार से 45 बना है तो उसी प्रकार से 3 से 3 बना है और 6 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बनेगी। अब देखिए, हम 5 से 45 किस प्रकार से बना सकते हैं। यदि हम ये 5 है, इसमें गुणा करें, क्या करें, 5 में से 2 माइनस कर दें और इसका कर दें हम वर्ग, क्या हो जाएगा। देखिए, ये 5 रहेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3, और इस 3 का कर देंगे वर्ग तो 3 का वर्ग होता है 9, तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। देखिए, आसानी से बन जाएगा 45 5 से। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें देखें, यदि तो ये 3 है, 3 में गुणा करें, इसके बाद इस 3 में से 2 माइनस करना है तो 2 हम माइनस करें और इसका वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए, 3 तो 3 ही रहेगा, इसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लिखा है। तो इस प्रकार से 6 में कर लेंगे तो 6 में गुणा कर रहे हैं किसका, 6 में से 2 घटाकर उसका वर्ग करके, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का कितना होता है, 16 होता है, और 16 का गुणा 6 में कर देंगे तो आ जाएगा 16 × 96। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए, त्वचा जिस प्रकार स्पर्श से संबंधित है तो उसी प्रकार से नाक किससे संबंधित है। देखिए, त्वचा स्पर्श से किस प्रकार संबंधित है, हम स्पर्श की जो अनुभूति है, स्पर्श की जो अनुभूति है हम किससे करते हैं, स्पर्श की अनुभूति करते हैं हम त्वचा से, तो उसी प्रकार से नाक से किसकी अनुभूति होती है, तो सूंघना या गंध की, तो ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए, यदि हम इसमें देखें तो इसको देखें, यदि हम तो यू, ये इनमें यदि हम डिफरेंस निकालें तो ये आता है 21 पर और ये आता है कितने पर, 15 पर। यदि हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 का। इसके बाद में इसमें देखें यदि हम तो ये आएगा 9 पर, लेकिन यदि इसमें से देखिए 15 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 9। इसके बाद ये कितने पर आता है, तो ये आता है 5 पर और ये आता है 9 पर। 9 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3। तो इस प्रकार से हमारा प्लस माइनस का ट्रिक नहीं लगेगी। लेकिन यदि हम इसको देखें, देखिए हमारे स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ से यदि हम ए लिख दें, देखिए तो ए के बाद क्या आता है, ई आई ओ यू, यहाँ पर स्वर हो जाएंगे ये 5ों, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें देखिए ए 22 पर आता है, 22 में से कितना प्लस किया है, इसमें 25 हुआ है, तो 22 में प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा ये 25। 25 है, 25 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 में 3 करेंगे तो 5, और 5 में 3 कर देंगे तो 8, 8 पर आ जाएगा H। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, AH, ऑप्शन नंबर B में है, तो B ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए, यदि हम इसमें डिफरेंस निकालें सबसे पहले तो इसमें कितने का मिल जाएगा हमें, 7 का, और यदि हम इसमें से 26 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 13 का। इसमें कितना प्लस किया है, 13। तो इसमें देखें यदि हम, तो ये अभाज्य संख्या है, इसके बाद में यदि अगली अभाज्य संख्या देखेंगे, सॉरी यहाँ पर कितने का है, ये 11 का है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद में अभाज्य संख्या क्या कौन सी आती है, 13, 13 के बाद में आ जाएगी अपनी 17, और 17 के बाद में आएगी 19। तो यदि हम इसमें देखें, इसमें 75 में से यदि हम 56 घटाकर देखें, 19 का अंतर है क्या, तो इसमें कितने का है, 19 का ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 प्लस कर देंगे
26 में 13 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 39, यहाँ पर आ जाएगा 39, तो ऑप्शन नंबर डी में है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो देखिए 11 ए और 5 ए, इसमें यदि हम देखें 17 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 56 और 39 में कितने का डिफरेंस है, ये 7 और ये 1, तो कितने का है 17 का है। इस प्रकार से अवैध संख्याओं का डिफरेंस चल रहा है तो 39 ऑप्शन डी राइट है। गणितीय श्रृंग चिन्हों के स्थान पर स्टार के चिन्हों पर हमें बताना है, इसमें से कोई सा एक आएगा तो देख लेंगे हम कौन सा आ रहा है। देखिए यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर क्या है 256 प्लस का निशान आ जाएगा, इसके बाद में माइनस 9 होगा, इसके बाद में गुणा 3 होगा और इसके बाद में डिवाइड है तो डिवाइड 14 होगा। देखिए 9 या 27 हो जाएगा और ये 200, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम दूसरा देखें तो दूसरा में क्या है डिवाइड है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसके बाद में ये गुणा है तो गुणा करेंगे कितने से 4 से, तो इसी से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 64 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 51, तो किसी प्रकार से नहीं आएगा क्योंकि अब तो क्या करना है प्लस माइनस करना है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 गलत हो जाएंगे। तीसरा यदि हम देखें तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा में क्या है, सबसे पहले गुणा है तो इसमें गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगी, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको यदि हम करके देखें, देखिए यहाँ पर क्या है डिवाइड है तो इसको डिवाइड करेंगे, इसके बाद में ये माइनस है तो माइनस 9 करेंगे, इसके बाद में गुणा है 3 और इसके बाद में क्या है प्लस है तो 14, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और ये 64, इसमें से माइनस करेंगे 27, 9 या 27, इसमें प्लस कर देंगे 14। देखिए 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 बचेगा और ये 13, किसका बचेगा ये माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये 64 में से फिर इस 13 को यदि हम घटाएंगे तो आ जाएगा 51, जो कि हमारे समीकरण को सही कर रहा है, तो ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फ्रेम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यदि हम इसको देखें टेबल में क्या किया है इन्होंने, ये टेबल है, इसमें देखिए पीछे से लिख दिया है ई एल, इसके बाद लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है ई है, यदि हम इस बी में कितना जोड़ दें ई के लिए 5 पर आता है, 3 प्लस कर दें तो यह आ जाएगा ई, बाकी इसको जैम कहते हैं रहने देते हैं, ठीक है। यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। स्विंग में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा जी एन और ये आई है, आई में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, 9 और 3 12, ये 9 पर आता है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। इसके बाद ये डब्ल्यू एस, इसको जो कहता है तो देखिए इस प्रकार से इसको भी लिखा है, इस प्रकार से हम इसमें कर लेंगे तो इसमें क्या है फ्रेम। एफ आर ए एम ई, देखिए ई एम तो रहेगा ही, एक में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 4 पर आ जाएगा डी, इसके बाद में आर, इसके बाद में एफ, देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ई एम डी आर डी एफ, ऑप्शन डी में सी में है, सॉरी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम गिन लेते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5, यदि हम 5 में बांट दें 1 2 3 4 5 ई पर है, इसके बाद देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखें तो सी एल, इसके बाद में क्या है ओ है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, इसके बाद भी ई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए सी एल यहाँ पर आ जाएगा एल और यहाँ पर आ जाएगा ओ। देखिए श्रृंखला क्या हो जाएगी, सी एल ओ, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर कितना है, तो इनमें यदि हम डिफरेंस देखें तो इसमें कितने का है, ये 22 पर आता है और ये 23 पर, मतलब प्लस 1 है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्लस 1 होगा, यहाँ पर देखिए सी एल ओ भी ई, इस वाले में बढ़ता जाएगा एक, बाकी सभी में कुछ भी नहीं करना है, तो देखिए सी एल, इसके बाद भी यहाँ पर एक्स है, लास्ट में ई है तो ई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के बाद में आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा वाई और यहाँ पर आ जाएगा सी एल से शुरू है तो सी एल,
सिर्फ क्या करना है इस वाले में क्या है, प्लस एक देखिए वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में एक्स और एक्स के बाद में वाई, तो इनमें क्या करना है प्लस एक करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में क्या क्या रखा है हमने, तो ओ रखा, एल रखा, ओ रखा, इसके बाद में एक्स रखा है, इसके बाद में ई रखा है, और इसके बाद में एल है, इसके बाद में वाई है। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। इनको जैव कहते हैं, सिर्फ इसमें प्लस एक करते जाना है चौथे वाले अंक में। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में आस को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बाय को 64 लिखा है, तो उसी प्रकार से किराए को क्या लिखा जाएगा। यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ए एक पर आता है, ए 19 पर आएगा, और ए आता है 11 पर। इनको जोड़ दें तो ये 30 और एक 31 हो रहा है, कितना हो रहा है इनका सम कितना है 31, और इसमें हम दो से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है 62 है, तो इस प्रकार से ये 62 आ जाएगा। इसको देखें यदि हम, तो ये 2 पर है, ये 25 पर आता है, और ये आता है 5 पर। 25 5 30, 30 और 2 32, 32 का डबल 64 होता है, तो 64 यहाँ पर लिखा भी है। तो इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे तो ये 3 पर आता है, और ये 18 पर आता है, ये 25 पर आता है। तो इसको यदि हम देखें, इसको जोड़ दें तो 8 और 3 13 आंसर में आ जाएगी 1, 3 और 1 4 43, 43 में प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा ये 46, और 46 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 92, जो कि ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या है जो वो तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए ये हमें इसमें बताना है 5 से 625 किस प्रकार से आया है। तो यदि हम इसमें देखें, ये 5 है और इसमें गुणा कर दें कितना, इस वाले 5 का क्यू कर दें, इनका क्या करना है हमें क्यू करना है और 5 से गुणा करना है। तो इसका हम क्यू करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 125 होता है 5 का क्यू, और इसका यदि हम गुणा करेंगे तो आएगा 625 जो कि यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें कर देंगे 5 गुणा करना है, इसके बाद में क्या करना है 8 का क्यू करना है, तो 5 गुणा में रहने देंगे और 8 का क्यू करेंगे तो 512 होता है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूनी 10 आंसर में आ जाएगी 1, 5 का 5 और 1 6, 5 25, 2560 जो कि यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें देख लेंगे हम, तो इसमें कितना 5 का गुणा तो है लेकिन यहाँ पर है इन संख्याओं का क्यू। तो यदि हम देखिए 9 का क्यू करेंगे तो सम नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर 0 0 है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं 10 का ही कर सकते हैं, 10 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 5, 10 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 1000, और 1000 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000। बाकी देखिए इनमें किसी भी संख्या में 0 नहीं आता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है जो वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठवीं अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है, और तीसरा अक्षर समूह चौथे समूह से संबंधित है। देखिए इसमें हमें बताना है, इसमें यदि हम देखें, देखिए ये 8 पर आता है, ये आता है 13 पर, और ये आता है 4 पर, तो इससे कितना हुआ है, देखिए ये 11 पर, ये 15, और ये आता है 5 पर। यदि हम इसमें देखें, देखिए 8 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, 13 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 15, और 1 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि प्लस 3 प्लस 1 2 और प्लस 1, देखिए 2 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 पर ये आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर आ जाएगा P, और 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 इसमें भी आ रहा है। तो इसमें देखें, इसमें देखिए इसमें पहले वाली पूछी है, तो इसमें क्या है, इसमें प्लस 3 किए हैं, तो F में से हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, देखिए ये आता है 6 पर, ये 12 पर, और ये 22 पर। अब क्या है देखिए, इसमें चौथी लास्ट वाली पूछी है, तो इसमें से क्या है, इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 3, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 10, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। अब ये देख लेंगे, ये आता है सी, ये आता है जे, और 21 पर आता है यू, देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही राइट है। 11 देखिए, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता की पोती के साथ सैर कर रहा है, तो वह किसके साथ घूम रहा है। तो देखिए गणेश है, ये हो जाएगा गणेश अपनी माँ, अपनी जो माँ है के भाई, इसका भाई है यानी गणेश का मामा, भाई के पिता, इसके पिता की पोती के साथ सैर कर रहा है, तो मतलब इसकी पोती मतलब इसकी लड़की होगी कोई, उसके साथ में यह है गणेश घूम रहा है।
तो देखिए इसकी ये पोती हो जाएगी और इसकी ये पुत्री हो जाएगी। तो हमें बताना क्या है, गणेश किसके साथ घूम रहा है, तो इसके साथ घूम रहा है, तो ये क्या है, मामा का लड़की है, तो ये हो जाएगी माँ मेरी बहन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए 12वें में हम देखें यदि, तो देखिए इनको हमें अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से जमाना है। तो देखिए इसमें क्या है, WAR तो सभी में है, लेकिन इन पहला और चौथा में डबल आर है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये लास्ट में आएंगे, लास्ट में देखें, लास्ट से ही जमा लेते हैं यदि हम। तो देखिए आर है, इसमें भी आर है, आर के बाद इसमें ए है और इसमें आई है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आई वाला आएगा, मतलब एक आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा चार, तो लास्ट के दो तो हो जाएंगे। अब हमें देखें तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा यदि लास्ट से, तो तीसरे पर देखें यदि हम, देखिए WAR तो सभी में है, इसके बाद में देखें इसमें ई है, इसमें सी है, इसमें डी है और इसमें भी डी है। तो देखिए पहले क्या आता है, सी आता है, इसके बाद में डी, फिर ई आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए दूसरे पर आ जाएगा, ये ई वाला पहले आएगा, इसके बाद में इन दोनों में से आएगा, तो इन दोनों में से देखें डी के बाद में आर है, डी के बाद में ई है, तो ये आ जाएगा कौन सा, पीछे से कर रहे हैं तो पाँच आ जाएगा, और ये आ जाएगा छः, इसके बाद में क्या बचा तीन, तो ये हो जाएगा 36, 52, 41, देख लेंगे किस में है, 36, 52, 41 ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, कुछ जो डेक्स हैं वे ट्रे हैं, क्या हैं, कुछ जो डेक्स हैं ये हो जाएंगे डेक्स, कुछ डेक्स क्या हैं ट्रे, तो ये हो जाएंगे ट्रे, कुछ ट्रे क्या हैं प्लेट हैं और कुछ प्लेट हैं डेस्क हैं, तो देखिए कुछ ट्रे हैं जो वो क्या हैं प्लेट हैं, प्लेट हैं और कुछ प्लेट हैं जो डेस्क हैं, वो कुछ प्लेटें डेक्स हो जाएंगी। इसको या तो हम इस प्रकार से बना सकते थे ये वाला, लेकिन यहाँ पर ही आएगा ये। तो देखिए अब हमें निष्कर्ष निकालना है, सभी जो डेक्स है प्लेट हैं, देखिए ये सभी, ये वाला हिस्सा कुछ कुछ में आता है, सभी में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो सभी वाले सभी गलत हो जाएंगे, ये भी सभी में है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। कुछ वाले होंगे, कुछ ट्रे हैं जो प्लेट हैं या कुछ प्लेटें ट्रे हैं, तो कौन सा निष्कर्ष है, तीसरा, तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन पहला राइट है। 14 क्वेश्चन देखिए, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या को पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया निष्कासित करके प्राप्त किया जाता है, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्म सामान्य संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसमें देखिए 11 20 है, 20 से 11 किस प्रकार से ले आएँ, तो यदि हम देखिए वीडियो रोक कर भी आप कर सकते हैं, इसमें क्या है देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो यदि हम 20 का आधा कर दें तो आ जाएगा कितना 10, और 10 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11। इस प्रकार से इसमें देखें तो 6 का आधा करेंगे तो आएगा 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, लेकिन इसमें यदि हम करें 15 में 2 से आधा करेंगे तो ये आएगा 7.5, और इसमें एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8.5, जबकि यहाँ पर कितना है 9 है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो देखिए 12 में 2 से देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में एक जोड़ देंगे तो 7, जो 7 लिखा है, इस प्रकार से सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं। तो देखिए इन इसमें यदि हम देखें ये देखिए 55 है, इसके बाद में ये 11 है और इसके बाद में ये 25 है, तो यदि हम इस 25 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 5, और इस 5 का 11 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55। इसी प्रकार से इसमें देखें यदि हम 64, 16, मतलब पहली लास्ट तीसरी संख्या का अंडर रूट निकालना है और दूसरी संख्या में गुणा करना है, क्या है श्रृंखला बन रही है, देखिए दूसरी संख्या है जो इसका गुणा है तीसरी संख्या के अंडर रूट से, किससे है, तीसरी संख्या के अंडर रूट से, तो क्या मिल जाएगी पहली संख्या मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से देखिए 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 का 64 में हम गुणा करेंगे, 4 का 16 में करेंगे तो 16 चौके 64 जो कि लिखा हुआ, तो इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे, देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो ये 10 भी नहीं है, 22 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। लेकिन चौथा देखें तो ये है, ये किसका है, देखिए यहाँ पर 11 है और ये 3 का होता है, तो 11 33 जो कि लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी
राइट हो जाएगा। श्रृंखला क्या है, दूसरी संख्या का गुणा करना है तीसरी संख्या के अंडर रूट से, तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी तरह से सामान्य है और एक भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये आ जाएगा 2, 6, 10, 14। इसके बाद इसको देखें तो 4, 8, 12 और ये 16। इसको देखेंगे तो आ जाएगा 8, 10, 11, 16। इसको देखेंगे तो आ जाएगा 10, 14, 18, 22। तो यदि हम इनमें डिफरेंस देखें, देखिए इसमें कितना है +4 है और इसमें भी कितना है +4 है, 6, 4, 10, 10 और 4, 14। इसमें भी +4 है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी +4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। इसमें देखेंगे तो इसमें +2 है, इसमें +1 है और इसमें +5 है। तो इसमें देख लेंगे इसमें +4 है 18, इसमें भी 4 है 18, 4, 22। देखिए बाकी सभी में क्या है, 4-4 का डिफरेंस है, लेकिन जो ऑप्शन तीसरा है उसमें नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो तीसरा है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद है पांचवें पद से संबंधित है। देखिए जब भी संख्याएं बड़ी संख्या में होती हैं, डिजिट बड़े होते हैं, तो इनमें हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस यदि आ जाता है तो सही रहता है। देखिए इसमें यदि हम देखें, डिफरेंस करके देखें यदि हम इसका, देखिए ये 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, ये भी 3 बचेगा, ये यहाँ पर 8 है, एक को मानेंगे हम 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये बच जाएगा 6, 6 में से ये 3 का डिफरेंस है मतलब इसमें, तो इसमें भी यदि हम देखें 72, 56, 39, इसमें देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, ये बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से इसमें भी 3 का डिफरेंस है, तो इसमें भी हम 3 का डिफरेंस कर देंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे। देखिए कितना घटाना है, 3, 3, 3, 3। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 4। 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 2। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 36, 24। देख लेंगे ऑप्शन बी में है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए इनमें से सिर्फ हमें दो चिन्ह ही बदलने हैं। देखें यदि हम लास्ट से देख लेंगे क्या करना है, डिवाइड को प्लस से बदलना है, तो इसमें देखिए 588 है, यहाँ पर हो जाएगा क्या +28 और गुणा में है ये 32 प्लस इसकी यहाँ पर आ जाएगा क्या डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा ये 72। अब इसको देखिए काटेंगे यदि हम तो 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 16, फिर इसको तो काट देंगे हम 4 से, 4 चौके 16, 4 9 36, तो ये पूरा नहीं कटेगा। देखिए इसके बाद 9 आ जाएगा तो ये यहाँ पर कटेगा ही नहीं, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अलग हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी देखें, यदि सी में क्या है, प्लस को और गुणा को बदलना है, 588 है तो यहाँ पर डिवाइड है, इसके बाद में क्या है यहाँ पर प्लस आ जाएगा 32, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा गुणा, इसके बाद में ये आ जाएगा -160, तो इसको काट देंगे यदि हम 7 से, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 2 8 56, 2 बजेगा 7 चौके 28 हो जाएगा, ये आ जाएगा 84। इसको काट देंगे हम यदि 4 से तो आ जाएगा 21 और इसका इसमें हम गुणा कर दें 2 2 4 3 2 6, इसके बाद 7 चौके 28, 7 2 14 और 7 3 21 और 1 22, इसको जोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा 2212, जबकि 760 आना है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा दूसरा और पहला, पहला देखें यदि हम, देखिए दूसरा देखें,
दूसरा ऑप्शन देखिए, ये तो गलत हो जाएंगे। दूसरा देखें, डिवाइड को माइनस से बदलना है, तो ये 588 इस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 28, तो ये बचेगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 60, 560 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, गुणा है, तो गुणा 32 का यदि हम इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा सिर्फ पहला ऑप्शन, पहला रख देंगे। देखिए 588, इसके बाद में ये डिवाइड है, इसके बाद में गुणा है, तो गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 72, और ये प्लस कर देंगे 160। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, तो 4 से काट दें, 4 7 हो जाएगा ये 28, 4 8 हो जाएगा ये 32, और इसको 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 8 56, 7 4 28। इसका इसमें हम यदि गुणा कर दें, सबसे पहले हम इसको घटा लेते हैं, यदि 160 में से हम कितना घटाएंगे 72, तो ये बचेगा 8, ये हो जाएगा 5, तो ये भी 8 बच जाएगा, 88 बच रहा है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 4 हो जाएगा ये 32, हासिल में आ जाएगी 3, 8 8 64, 64 और 3 67 हो जाएगा, और इसमें हमें इतना जोड़ना है, तो जोड़ देंगे 8 और 2 10, 8 और 8 16, 6 और 1 7 760 आ रहा है। तो इस प्रकार से कितना आ रहा है, 760, जो कि यहाँ पर है। तो कौन से ऑप्शन से है, पहला ऑप्शन से है, पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। एक ही पांसे को 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, फलक एक को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक के विपरीत हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम यदि 3 दिए हैं, तो सबसे पहले हम 2 कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन किस में है, 2 कॉमन मिल जाएंगे हमें दूसरा और तीसरा में, तो 1 से 1 काट देते हैं और 5 से 5 काट देते हैं, तो इससे आ जाएगा 6 के विपरीत आ जाएगा 4। अब इसमें यदि हम देखें, इसमें भी देखिए 5 के विपरीत हो जाएगा, और इस वाले 1 से 1 कट जाएगा, 6 से 1 कट जाएगा, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, 2 के विपरीत आ जाएगा 5, दोनों कॉमन संख्या देखने पर। अब इसमें देखिए 6 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है, तो संख्या क्या बची है 1 और 3, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। उस बैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, टिकट हवाई जहाज रेल। तो देखिए इसमें हमें बताना है, यदि हम इसको देखिए टिकट मान लें, इसको मान लेंगे हम क्या रेल, बीच वाला हो जाएगा टिकट, और ये हो जाएगा किसके लिए हवाई जहाज। तो देखिए दोनों के टिकट ही होते हैं, हवाई जहाज का भी टिकट होता है, कुछ टिकट रेल के हो जाएंगे, कुछ टिकट हवाई जहाज के होते हैं, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।